चुका है हम लोग। और गाइस आप देख सकते हैं बहुत भयंकर वाला चश्मा, और बादशाह वाला चश्मा है ये। और बादशाह को क्या मिला है, बादशाह खोल के दिखाए क्या मिला है। देख सकते हैं बादशाह को क्या मिला है, और बादशाह भी देख सकते हैं बादशाह कुछ निकाल रहे हैं। डमंटी 11, और हम लोग को मिल चुका है डमंटी 11 का अपर और डप्पर। और अनबॉक्सिंग हो चुका है, और डमंटी 11 दो साथ पहने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देंगे दो साथ। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं गणेश क्लब बड़बिल, जो कि पिछले साल के हम लोग चैंपियन टीम थे, और पिछले साल का मैन ऑफ द सीरीज भी आप लोग देख सकते हैं, यही लड़का था, साइकिल मिला था चमचमाता हुआ। और इस साल भी गांगू जी में मिला है 20,000 वाला साइकिल, पार्टी दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आ चुका हम लोग का साथ बाबू छेदा, देख सकते हैं आप लोग बाबू छेदा। तो गाइस वीडियो में बने रहिए, आगे का आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ आप लोग दूर से देख सकते हैं आ रहा है हम लोग का मसीहा, लूटो लूटो। और इसी के साथ चेतन भाई का जो वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं देख सकते हैं आप लोग। और इधर मैं और मियाओ काली बिल्ली, ओ सॉरी कालू है, कालू यूट्यूबर रिकॉर्ड कर तो ना दारे के खतरा क्या लगे। और इसके साथ आ चुके हैं हम लोग आज, खोलो 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 खोलो, क्या है क्या है, और तेरे का पॉकेट में कितना पैसा है सब छीन लेंगे। पैसे का फोटो यार जल्दी छीन ले देखे। और इसके बाद देख सकते हैं कालू यूट्यूबर आप लोग के लिए निकाल रहे हैं चमचमाता हुआ ट्रैक सूट। निकालो यार साहब निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो दिखा दीजिए अपने दर्शकों को कैसा है चमचमाता हुआ ट्रैक सूट। एल हम लेंगे, सब एल साइज का है। और इसी के साथ आ चुका है बहुत ही चमचमाता हुआ, दिखाते हैं आप लोगों। तो गाइस इसी के साथ अभी हम लोग निकल चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि तो गाइस जी के साथ हम लोग आ चुके हैं नाश्ता करने, देख सकते हैं पीछे होटल है राजू ढाबा, और यहाँ से लड़का सब और अच्छा आ रहा है। तो गाइस जी के साथ आ चुके हैं नाश्ता करने के लिए, देख सकते हैं अभी दमयंती 11 का, और ये लड़का का नाम आप लोग जानते हैं, इसका नाम बाबू छेदा है, आज कभी भी आप लोग इसको मैसेज कर सकते हैं बाबू। तो गाइस जी के साथ आ चुका है नाश्ता, देख सकते हैं ये आलू पराठा, और यहाँ पे बाबू छेदा भी खा रहे हैं आलू पराठा, और यहाँ पे सब खा रहे हैं, और ये खा चुका है, इसको और खाना है नीचे दोबारा पार्ले बैठा। तो गाइस इसी के साथ अभी हम लोग चाय बादशाह से निकल कर जा रहे हैं जगन्नाथपुर अभी पहुंचेंगे, फिर वहां से हम लोग को जाना है बड़बिल। तो देख सकते हैं गाइस रास्ता, आज मौसम भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साथ अभी हम लोग बड़बिल पहुंचने वाले हैं, देखिए बहुत ही मशक्कत के बाद थोड़ा अच्छा रोड अभी दिख रहा है, और ये भी रोड अभी हाल फिलहाल में बना है, क्योंकि पहले तो बहुत खराब था। ओडिशा गवर्नमेंट थोड़ा काम कर रहा है, देख सकते हैं अभी रोड अच्छा ही दिख रहा है, पहले ना बहुत खतरनाक रोड था उनका नेशनल जैसा। तो गाइस इसी के साथ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ग्राउंड, देख सकते हैं यहाँ पे अभी मैच चालू हो रहा है, बस यहीं सीधा कर देना बस। अरे यार बहुत कादो है इधर, और पहुँच गए गाइस हम लोग, देख सकते हैं आप लोग पीछे कर दो पीछे कर दो, हल्दी बोल हल्दी। तो गाइस इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राउंड, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लड़का सबका ट्रैक सूट बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए और देख लीजिए मनोहर डमंटी 11 का, डमंटी 11 देख लीजिए। तो गाइस देख सकते हैं मनोहर बोल रहा है डमंटी 11 दमयंती है, और ये बाबू छेदा देखिए सकते हैं, बाबू चेला सॉरी, और ये है मेन बाबू।
तुम बोले बाबू और ये है बाबू छेदा कौन है ये बाबू छेदा अरे ओ सब बोलेगा बाल हाँ ठीक है हम बोलेगा बाल का क्या चेता तो गाइस इसी के साथ देखिए हंसी मजाक हो रहा है चेतन कुछ करना चाह रहा है अमन के साथ क्या करेगा चेतन क्या कर रहा है क्या कहे भाई खोल 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 2011 और इसी के साथ मनोहर को देख सकते हैं इसका सॉक्स देखेंगे आप तो 1947 के बाद आज तक नहीं धुला है देश का आजादी के बाद और कीड़ा वड़ा सब लग सकता है देख सकते हैं गाइस काफी अच्छा प्लेसमेंट इस मैच की बात है तो सेकंड राउंड आरंभ हो जाएगा और ट्रैफिक चलता हुआ तरुण की लेकिन से रोहन यादव के बीच में आपको किधर आता है पसे किस प्रकार का प्रदर्शन रहता है और ये तीसरा मीटर शॉट और निश्चित रूप से यहाँ पर दबाव पड़ता हुआ टी सेकंड राउंड का पहला मैच और ये नाटकीय बोल देखने को मिलता हुआ यहाँ पर लेकिन इस गेंद को बोल में तब्दील करते हैं तो निश्चित रूप से बिल्कुल ठंडा ठंडा सुहाना मौसम में इतनी ठंड के बावजूद भी इतने सारे दर्शक पूरे मैदान के चारों ओर भरे हुए हैं इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में फुटबॉल की क्या महत्व है फुटबॉल प्रेमियों की कमी नहीं है और निश्चित रूप से किनेस क्लब स्टेडियम में बहुत सारे और इस तरह से
तो गाइस इसी के साथ अभी हम लोग अपना फर्स्ट राउंड का मैच जीत चुके हैं और इसमें बासद्दा बहुत ही अच्छा सेव किए हैं, बहुत बढ़िया सेव किए हैं और हम लोग फर्स्ट मैच जीते और अभी हम लोग जाएंगे सेकंड मैच खेलने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, आगे का आप लोगों को दिखाते हैं। इसी के साथ ही में रोहन 11 एक स्कोर के साथ यहाँ पहला हाफ में बढ़त भी यहाँ पर इजाफा कर चुके हैं। माकू ने बहुत कम आकर फिनिश किए, गोलकीपर काफी प्रयास किए लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाया। गिर सीधा और यहाँ पे कहीं ना कहीं हल्का सा यहाँ पर विपद दोनों टीम को देखने को मिला, लेकिन पूरा कॉर्नर किक के लिए यहाँ पे एक बहुमूल्य मुकाबला साथ है कि कितनी जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है वो देखिए कि प्रत्येक मैच बहुत है महत्वपूर्ण बड़े होता है। क्या गोल आ पाएंगे सो पाएंगे, लेकिन प्रयास होगी यहाँ पे और गेंद यहाँ पर क्लियर करने से राजू के साथ आठ नंबर आठ नंबर पर यहाँ पर मामला होते हैं कुछ से देखिए मुद्रा का चुका फिर बटे में ओखाने लगे साधो। इस मैच को हर हाल में दोनों टीमें कुछ न कुछ खबर गांव में थे और एक स्कोर कहीं कहीं समय है फुटबॉल टीम में जीरो ओवर था कि स्कोर के लिए यहाँ पर बहुत कम समय बचा हुआ है। इस कम समय में कुछ खेल में परिवर्तन लाना पड़ेगा फुटबॉल टीम में जय बाबा खगेश्वर को। और खगेश्वर ने एक आसान सा मौका गंवाने के बाद करके टीम के ऊपर जो रफ्तार थी वो रफ्तार यहाँ पर करके घटते हुए दिख रहा है। बढ़िया मौका राजू टाटा मोटर्स के लीगे पार्टिसिपेट करते टाटा मोटर्स के लिए देखिए। तो गाइस इसी के साथ आज हम लोग सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गए हैं यहाँ पे गणेश किला बरबिल में और यहाँ देख सकते हैं लड़का सब ड्रेस कर रहा है। तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट बार सेमीफाइनल खेलने के लिए, तो व्लॉग में बने रहिए, आगे का आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस इसी के साथ अभी हम लोग आ गए हैं कुछ नाश्ता वास्ता करने के लिए, देख सकते हैं लड़का सब आ रहा है। और आज बासद भाई का परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, बहुत अच्छा खेला है और सूरज का आज बहुत ही भयानक रनिंग देख सकते हैं आप लोग वीडियो में। और यहाँ देखिए लड़का सब आ रहा है, देखिए